हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन उत्तरा क्लासेस। आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है मिस्टर ईमान कल्याण दास, जो आज के टाइम पे एक PFRD ग्रेड ए ऑफिसर है। सो ईमान से मेरी बात हो रही थी काफी टाइम से, मतलब PFRD के इंटरव्यू के टाइम पे इन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प ली मेरी, और साथ में मेरे PFRDA के MCQ कोर्स के एनरोल स्टूडेंट है, जिसके अंदर पेंशन सेक्टर के लेक्चर्स और पूरे कोर्स के MCQs इंक्लूडेड थे। बाकी जब मैं ईमान से बात करता हूँ, इनकी बहुत एक इंस्पायरिंग सी स्टोरी है। ये भी एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने जिनका सब्जेक्ट जो मास्टर्स का था वो ए बंगाल की लैंग्वेज था, बंगाली लैंग्वेज का था ना ईमान, या बंगाली इंग्लिश, लिटरेचर सर। बंगाली लिटरेचर के ऊपर उनका सब्जेक्ट था मास्टर्स का। और फिर इन्होंने अपने रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करी थी 2018 के अराउंड। इन्होंने SBI को ज्वाइन करा 2015 में, और 2018 के आसपास उन्होंने सोचा कि एक लेवल फर्दर जाना है और रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन में एनरोल करके उनको एग्जामिनेशन को परसू करना है। तो ये RBI का भी एग्जाम दे रहे, उन्होंने SEBI का भी एग्जाम दिया, और कॉन्टिन्यूसली फेलियर के बाद ये फिर भी लगे रहे आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। और इवेंचुअली इन्होंने एक बहुत ही टफ एग्जामिनेशन, PFRD का एग्जामिनेशन जिसका प्रोसेस बहुत टफ है क्लियर करने का, उस एग्जाम को इन्होंने क्लियर किया। सो ईमान, ओवर टू यू। आप अपनी स्टोरी स्टूडेंट्स को बताएं कि आपने कैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, क्या क्या डिफिकल्टीज थी और कैसे उसको आपने पार किया। थैंक यू सर हैविंग फॉर हैविंग मी। जर्नी तो ऐसा ही रहा सर। अब जैसे बताए, मेरा मास्टर्स है बंगाली लिटरेचर में। उसके बाद में मैं स्टेट बैंक ज्वाइन किया 2015 में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। उसके बाद जब डिमोनिटाइजेशन का टाइम चल रहा था, तो उसी टाइम पे, उस टाइम बहुत हार्डशिप का टाइम था हर बंदे के लिए, हर आदमी के लिए। तो उसी फ्रेज में मुझे लगा था कि मैं ये रेगुलेटरी बॉडीज ज्वाइन कर सकता। और ये आइडिया मेरे पे आया था मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड से, मतलब जो सोशल इश्यूज है उसके हिसाब से ही मैं सोचा था कि इसमें रेगुलेटरी बॉडीज का बहुत इम्पैक्ट है। ये सिर्फ फिनेंस और मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी के बॉडी नहीं है, मेरा उससे पहले ऐसा ही आइडिया था। तो जो उसके बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2018 में, RBI दिए थे, RBI ग्रेड भी दिए थे। तो ग्रेड में इंटरव्यू तक हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। तो फिर 2018 में मैं CGL दिया था, SSC CGL के उसमें हुआ था। मेरे 2021 में सिलेक्शन हुआ। मैं अभी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, उसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ मैं। तो इस ऑफिस को ज्वाइन करने के बाद भी मैं वो रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम का प्रिपरेशन मतलब चलता ही रहा। मुझे वो दिमाग में था कि अगर हो जाए, अगर चांस मिले कभी काम करने का। तो सेबी का जब लास्ट बार का नोटिफिकेशन आया, मैं उसके पहले भी 2018 में मैं इस बार सेबी का प्रिपरेशन चालू किया था, बट उसका सिलेबस देख के मैं डर के थोड़ा पीछे आ गया था कि इतना टेक्निकल नेचर है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो उसके बाद इस बार मैं सोचा कि नहीं, एक चीज है कि इसका नेचर में डायनामिक नेचर कम है। जैसे RBI में आपका करंट अफेयर्स इतना ज्यादा पढ़ना होता है, एक नौकरी के साथ, और मैं फैमिली मैन भी हूँ, उतना टाइम देना और लास्ट 2-3 महीने के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। तो सेबी का सिलेबस का नेचर मुझे लगा था थोड़ा सा स्टैटिक है, जो कि है थोड़ा सा स्टैटिक है। अगर एक बार मैं पढ़ पाऊँ, सीख पाऊँ, तो उसके ऊपर एक बार दो बार मैं एग्जाम दे सकता हूँ। तो उसी को सोच के मैं सेबी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझने लगा और सेबी में अपियर हुए। सेबी का भी इंटरव्यू तक हुआ था मेरा। मेरा फेज टू में मार्क्स भी ठीक ठाक थे, मतलब मेरे मतलब कोरा एकदम ब्लैंक पेपर से स्टार्ट किया था मैं, तो वहां से 62.5 आया था मुझे फेज टू। तो मुझे लगा था कि नहीं, फाउंडेशन थोड़ा सा बन गया है, इसके ऊपर नेक्स्ट बार सेबी देंगे, ये प्लान था। तो बीच में जब PFRD आ गया, तो सभी सोच रहे थे, मैं भी वैसे ही सोच रहा था कि PFRD एक बार अपीयर हो जाए तो सेबी के लिए एटलीस्ट अच्छा हो जाए। PFRD तो कम वैकेंसी रहता है उसमें, मतलब तो पूरा देश में 15-20 CA CS, इतना क्वालिफाइड लोग है, इतना क्वालिफाइड फैटर्निटी है हम लोग का, तो उनको शायद ही बीट कर पाए, बट स्टिल इसको सीरियसली लेते हैं। तो सीरियसली लिए थे, इस बार हो गया। और आप उसमें आपका भी सर बहुत हाथ है, थैंक यू टू यू। अच्छा, एक आपने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई थी फेलियर के बारे में, तो वो फेलियर से कैसे आपने कोप अप किया वो आप स्टूडेंट्स को बताएं। सर मुझे ये लगता है कि फेलियर, ये गवर्नमेंट एग्जाम का जो भी प्रोसेस है, इसमें फेलियर इनेविटेबल है, आप इसको हटा नहीं सकते। हाँ, कुछ कुछ ऑब्वियसली कुछ कुछ स्टूडेंट्स का एक बार में हो जाता है, बट दैट इज द एक्सेप्शन, दैट प्रूव्स ओनली द रूल।
तो आपको वो फेलियर के साथ कोप करना ही है। एक्चुअल में मैं भी बहुत बार फेल किया हूँ। मेरा फेलियर यह मैं जितना बोला इससे भी पीछे जाता है। मतलब मैं आईबीपीएस क्लार्क भी दिया था, उसमें भी मैं फेल किया था। तो फेलियर को कोप करने के लिए मेरे पास, मतलब मेरे हिसाब से एक आइडिया है। जैसे हम लोग जब इंडिविजुअली कोई काम करते हैं, कोई इंडिविजुअली टारगेट सेट करते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, ब्रेड एंड बटर विन करना है, तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा हम लोग एलियनेटेड हो जाते हैं। ऑब्वियसली वो है, वो ऑब्वियस स्टैटिक पोजीशन है, बट उसमें थोड़ा सा होता है। अगर हम लोग थोड़ा सा उसका सोशल एस्पेक्ट्स, थोड़ा सा कोलाबोरेटिवली हम लोग उसमें से क्या मिल सकते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं जा रहा हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल में काम क्या है, उसमें मैं सूट करूंगा कि नहीं, सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं, ये थोड़ा अगर दिमाग में रहता है, तो हम लोग जब फेल करते हैं तो एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी फेल करते हैं, तो उसमें दर्द थोड़ा कम होता है कि नहीं अकेला मैं नहीं फेल किया, चलो ठीक है फिर भी ट्राई करते हैं। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी था फेलियर से डील करने का। और मैं ये आपका प्लेटफॉर्म से ऑब्वियसली बोलना चाहता हूँ कि फेलियर जो कर रहे हैं वो सक्सेस के तरफ ही बढ़ रहे हैं, सो करेक्ट, छोड़ना नहीं। वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड इमान। तो जितना मेरे को भी पता है, क्योंकि मेरे साथ बड़े स्टूडेंट्स कनेक्टेड रहते हैं, चाहे फोन पे, बहुत टाइम से मेरे साथ कनेक्टेड है, तो काफी स्टूडेंट्स, क्योंकि फेल तो देखो नंबर ऑफ सीट्स कम है, बट वही अगर आप कॉन्टिन्यूसली प्रिपेयर करते रहोगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम तो क्लियर होना ही होना है, ये सर्टेनिटी है। जैसे अगर मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम की बात करूँ, आईएफएससी का एक एग्जाम हुआ, जिसके अंदर कुछ एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट आया इस बार। फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा था, जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा हटके एग्जाम पूछा गया। अब उसके अंदर कौन जीतेगा एग्जामिनेशन में, वही स्टूडेंट है जो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बहुत टाइम से प्रिपेयर करा था। तो कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आता है कि कोई एग्जाम के अंदर आपका वो जो क्रूशियल 3-4 क्वेश्चन होते हैं ना, जो अगर वो करेक्ट हो जाते हैं तो आप बाकी सब स्टूडेंट से आगे निकल जाते हैं। अब वो 3-4 क्वेश्चन ही डिपेंड करता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बट अगेन ईमान, अब तो बहुत ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, फैमिली मैन होने के साथ, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, एंड इस पीएफआरडी के एग्जाम को निकालना, और आपने चूज भी एक ऐसे एग्जाम किया सीबी और पीएफआरडी है, जो एक साल में 2 बार एग्जाम हो रहा था। अगर आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो तो आप उसकी नॉलेज को यूज करके पीएफआरडी के एग्जाम या फिर सीबी के एग्जाम को दे सकते हैं। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी रही वो एक सही स्ट्रैटेजी थी। आई बिलीव जब आपने सीबी के एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम प्रिपेयर स्टार्ट किया, उसके बाद आपको उसी पैटर्न के 3 एग्जाम दिख गए ना, सेबी, फिर एक पीएफआरडी, फिर सेबी, ऐसा कुछ। और अभी भी एक्सपेक्टेड है कि सेबी का एग्जाम जल्दी रिलीज हो जाएगा। सो ईमान, एक हमारे क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट का कस्टम है, आपको शायद पता होगा वो, आपने इंटरव्यूज अगर देखे होंगे तो, अगर आगे जाके स्टूडेंट मेरे से आपका नंबर मांगेंगे कि हमें थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, तो मैं वो स्टूडेंट्स को पास ऑन करूंगा, उनको जो भी हेल्प होगी श्योर वो श्योर सर, करनी पड़ेगी। ठीक श्योर श्योर है ईमान, ऑल द बेस्ट। अगर आपको कुछ भी कभी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कुछ स्टूडेंट्स को बताना हो तो आप हमेशा वेलकम रहो। थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स एन चलो, ऑनर, ऑल ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।